गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास अगेन। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ रशिया और बेसिकली यूरोप, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रशिया ओनली बिकॉज द मेजर इफेक्ट्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन फेल्ट ऑन रशिया एंड द मेजर इवेंट्स टुक प्लेस ओनली इन रशिया फर्स्ट, देन आफ्टर सम ऑफ द सोशलिज्म events and the effects were observed all around the world. Even India has taken that particular word of socialist. हमने उस समाजवाद वर्ड को अपनाया बाद में, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? रशिया से हुई थी, इसलिए हमने बेसिकली इसके बारे में पढ़ा, रशिया के बारे में ही पढ़ा। इकोनॉमी की बात करें तो हमने देखा था इट वॉज एन एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी, खेती आधारित अर्थव्यवस्था थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन खेती के अंतर्गत लगी हुई थी। एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ यूरोप, इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। अगर बाकी से कंपेयर करें तो हमने देखा था केवल 40% फ्रांस में थे, 50% जर्मनी में थे एग्रीकल्चर में, लेकिन वहाँ तो 90% तक पॉपुलेशन खेती में लगी हुई थी। इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी कब? 1890s के बाद ज़्यादातर, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो गया और फॉरन इन्वेस्टमेंट आया, बाहर से पैसा लगाया गया यूरोप के अंदर। महत्वपूर्ण दो शहर जहाँ इंडस्ट्रीज आई कहाँ? रशिया के अंदर। तो कौन सी? मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग थी। फिर हमने देखा कि वर्कर्स हैं वो भी डिवाइड थे, इकट्ठे नहीं थे। सम आर बिलोंग टू द अर्बन एरियाज एंड सम बिलोंग टू द रूरल एरियाज, तो इस प्रकार डिवाइड थे, कुछ शहरी मजदूर और कुछ गांव से। लेकिन जब भी कभी किसी स्ट्राइक की बात आती, देवर कंबाइंड, वो इकट्ठे मिलकर स्ट्राइक करते। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने देखे कि 1896 और 97 में कॉटन टेक्सटाइल है, ये कपड़ा उद्योग था, उसमें बहुत बार स्ट्राइक हुई लगातार। उसके बाद 1902 में मेटल इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक हुई, और ये साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते थे टू प्रोवाइड हेल्प टू द वर्कर्स ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी वर्कर के पास रोजगार नहीं है तो उसको सहायता करने के लिए अपने संगठन भी बनाते थे, सहयोग करने के लिए। उसी प्रकार अगर सोशल लाइफ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जैसे किसान थे, वो ज़्यादातर गाँव के अंदर खेती करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द लैंड इज कंट्रोल्ड बाय द नोबल्स और द पर्सन बिलोंग टू क्राउन और द ऑर्थोडॉक्स चर्च, या तो चर्च से संबंधित लोग या राजा से संबंधित लोग जिनको उन्होंने नियुक्त कर रखा था, या फिर कुलीन वर्ग जिनके पास पैसा ज्यादा था, दे वर द लैंड ओनर्स, वो जमीन के मालिक थे। अब उसमें दे आर गोइंग टू सप्रेस और रिप्रेस द पीजेंट्स, सो ज्यादातर किसानों को परेशान करते थे, दैट्स वाई दे डो नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द नोबल्स। तो नोबल्स के प्रति जो किसान थे उनके मन में किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं था। और उसका एग्जाम्पल हमने देखा, दे इवन denied to give rents, कई बार तो rent देने से मना कर देते, and even massacred large amount of the landlords, जो भी जमींदार होता था उसके बहुत सारे लोगों को मार भी देते थे वो। 1902 में ऐसा बार बार हुआ। अब एक छोटा जो छोटे किसान जिनके पास ज़मीन कम थी, उन्होंने एक नया जो एक्सपेरिमेंट किया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कहा था कलेक्टिवाइजेशन, संगठित होकर, यानी छोटे छोटे खेत हैं उनको इकट्ठा करके, और क्यों ना तब खेती की जाए, एंड देन आफ्टर द प्रोडक्शन इज डिवाइडेड, उसके बाद प्रोडक्शन जो होगा उसको डिवाइड कर लेंगे, शेयर कर लेंगे आपस में। तो ये वहाँ की व्यवस्था थी। अब सोशलिज्म की रशिया में शुरुआत कैसे हुई, समाजवाद रशिया में कैसे शुरू हुआ? तो 1914 से पहले, बिफोर 1914, नो ऑर्गेनाइजेशन, पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेड इन रशिया, ऑल वर इलीगल। 1914 से पहले रशिया के अंदर किसी प्रकार का कोई भी संगठन बनाना गैर कानूनी था, राजनीतिक संगठन तो बिल्कुल नहीं बना सकते थे, वो सारे गैर कानूनी थे। रशिया वाज रूल्ड बाय जार, जो वहाँ का शासक था जार निकोलस सेकेंड, उसके द्वारा शासन किया गया था। लेकिन 1898 में एक पार्टी बनाई गई रशिया में टू डिमांड फॉर द वर्कर्स राइट एज वेल एज पीजेंट राइट्स, और पार्टी कौन सी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, 1898 में। अब कुछ देर पहले तो हमने पढ़ा था ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर इलीगल, गैर कानूनी, तो स्वाभाविक सी बात है इसको भी काम कैसे करना पड़ा? इन सीक्रेट, यानी ओपन में काम नहीं कर सकती थी, गैर कानूनी थी पार्टी। उसके बावजूद दे ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक्स, उन्होंने हड़तालें भी की, इवन मोबिलाइज द वर्कर्स एंड पीजेंट्स, यहाँ तक कि जो वर्कर वर्ग था उसको उसने इकट्ठा भी किया स्ट्राइक प्रोटेस्ट करने के लिए, और यहाँ तक अपना खुद का न्यूज़पेपर भी निकाला। तो एक माहौल, दे क्रिएटेड एन इन्वायरमेंट फॉर द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया, एंड दे वर द सपोर्टर ऑफ मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोग थे, और मार्क्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। वट मार्क्स थिंक, मार्क्स की सोच कैसी थी? द सोसाइटी शुड नॉट बी कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, कि व्यक्ति है उसने इंडस्ट्री लगा दी, सारा प्रॉफिट अपने पास जमा कर लिया,
एंड इट वॉज नॉट शेयर्ड बाई ऑल, और उसको शेयर नहीं किया जाए, तो उसके विचारों को मानते हुए पार्टी बनाई गई थी 1898 में। अब उसके बाद इसने जब ये वर्कर्स के बारे में बात की, तो उसके बाद जो ग्रामीण परिवेश था इन द कंट्री साइड इन द विलेजेस, द सोशलिस्ट वर्क, वहां समाजवाद लोग थे, उन्होंने काम किया और उन्होंने माना द फार्मर्स और द पीजेंट्स वर्क बाय कलेक्टिव, बाई कलेक्टिव देयर लैंड, अपनी जमीन को एक साथ, जो छोटी लैंड थी जिनके पास कम जमीन थी, इकट्ठा होकर खेती करते थे। इट मीन्स सोशलिज्म कैन बी प्रूव बेटर इन रशिया अदर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अगर और कंट्रीज हम कंपेयर करें तो रशिया में जल्दी कामयाब हो सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास सोशलिज्म की भावना पहले से है। वी आर डूइंग दिस, हम तो पहले से कर रहे हैं काम, और खासकर जो किसान वर्ग है वो कर रहा है, जिसके पास जमीन कम है वो खुद इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, और देन आफ्टर दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास तो बेस है। उन्होंने माना वर्कर से पहले पीजेंट्स है वो मेन फोर्स बन सकते हैं रिवॉल्यूशन की, क्रांति का मुख्य आधार कौन हो सकते हैं, वर्कर्स की बजाय पीजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सोशलिज्म का एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं हमारे सामने। फिर इनकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पार्टी बनाएगी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यानी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बनी थी, वर्कर्स को ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन 1900 में एक नई पार्टी बनी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जिन्होंने फोकस किया पीजेंट्स, किसानों को फोकस किया गया। अब इन्होंने उसके साथ साथ डिमांड की कौन सी, कि द लैंड शुड बी गिवन टू द पीजेंट्स बाई टेकिंग फ्रॉम द लैंड ओनर्स, नोबल्स और द चर्च, जो चर्च के पास जमीन या नोबल्स के पास जमीन उसको लेके और किसानों को दे दी जाए। अब इसमें देखो एक डिफरेंस, जो पहले हमारे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, इसने इसके खिलाफ एक आवाज उठाई कि किसान भी सारे गरीब नहीं है। उन्होंने बोला ऑल द फार्मर्स और पीजेंट्स आर नॉट इक्वल, सारे बराबर नहीं है, सम फार्मर्स और पीजेंट्स आर वेरी पुअर, बहुत कुछ तो ऐसे हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, एंड सम इवन हायर द लेबर्स, और कुछ एक तो इतने अमीर है खुद लेबर हायर करते हैं खेती के लिए, तो सब के लिए ऐसा कि जमीन दे दी जाए ऐसा नहीं होना चाहिए इक्वल बेसिस पर। और इसी आधार के ऊपर ये तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की दो हिस्सों में बट गई, यानी ये दो हिस्सों में बटी किस लिए, क्योंकि वो जो पीजेंट्स की डिमांड थी कि पीजेंट्स को जमीन दे दी जाए उसके ऊपर, क्योंकि ये मानते थे कि पीजेंट्स बराबर नहीं है, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं। उसके बाद इसके दो हिस्से कौन कौन से बने, एक तो बना बोल्शेविक और दूसरा बना मेंशेविक। अब बोल्शेविक के लीडर कौन, व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक जो ग्रुप बना इसका, उसके बने लेनिन और मेंशेविक के केरेंस्की, ये दो लीडर बने अलग अलग। अब इसमें 1905 ये सारी जब घटनाएं हुई, उसके बाद 1905 में देर वॉज ए ट्रिबुलेंट अशांति की स्थिति, कि वहां रिवॉल्यूशन का एक माहौल बनना शुरू हो गया यूरोप, उसके रशिया के अंदर, और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट किसने लिया, सोशलिस्ट, जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने डेमोक्रेट्स की मदद भी ली और रिवॉल्यूशनरी जो थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी उनकी मदद भी ली, दोनों को साथ लेके उन्होंने जार के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन करने का प्रयास किया। क्यों, टिल दैट टाइम इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोप देयर वॉज ए पार्लियामेंट एज वेल एज सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, जो ज्यादातर राजा शासन भी कर रहे थे, किस अनुसार कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इससे पहले पढ़ा कहाँ के लिए, और इससे 100 साल पहले की अगर बात करें, 1898 में पार्टी बनी थी, लेकिन 1789 में जब फ्रांस के अंदर क्रांति था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज देयर, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, देन आफ्टर ए क्वेश्चन वॉज मेड इन 1791, उसके बाद 1791 में एक संविधान बना दिया गया था, एंड ए न्यू क्वेश्चन मोनार्ची वॉज सेटअप, एक संवैधानिक सम्राट का शासन शुरू हो गया था, यानी शासन तो राजा ही करेगा लेकिन मानेगा किसको, संविधान को मानेगा, संविधान के अनुसार शासन करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। जबकि रशिया में उस टाइम तक स्थिति कैसी थी, इट वॉज ऑटोक्रेटिक, यानी राजा खुद स्वशासी है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, विदाउट रिस्ट्रेन, बिना किसी पाबंदी के काम करता था, तो इसके खिलाफ सोशलिस्ट ने आवाज उठाई। इसमें डेमोक्रेट्स ने भी साथ दिया और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, इन्होंने भी साथ दिया, और उन्होंने माना कि राजा किस प्रकार शासन करे, पार्लियामेंट के थ्रू, एक पार्लियामेंट का निर्माण हो, एक संविधान का निर्माण हो, उसके अनुसार राजा शासन करे। अब ये सारा इसके लिए स्वरूप तैयार किया गया, किसके लिए, जस्ट टू लोअर डाउन द पावर ऑफ, और जस्ट टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च और द जार, जार की पावर को लिमिटेशन देने के लिए ऐसा किया गया। अब धीरे धीरे 1904 में द कंडीशन ऑफ रशिया वाज वोस्ट, बहुत खराब स्थिति थी वहां की। अब उसमें देखो एक वर्ड है रियल वेजेस, अब रियल वेजेस क्या है, कि वहां महंगाई इतनी बढ़ी,
रियल वेजेस कम होगी। रियल वेजेस कम होगी, मान लो कि आप मार्केट गए और 100 रुपये में हो सकता है आप 4 kg आम लेके आते हो, आज भी आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, वेजेस तो वैसे ही है, लेकिन ये महंगाई बढ़ के आप हो सकता है आपको केवल 3 kg मिलते हो, यानी रियल वेजेस कम होगी, उसकी जो हमारे पास परचेजिंग पावर थी वो कम होगी। यानी वेजेस तो उतनी है दिखाई देने में कि हमें 100 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वास्तविक उसकी परचेजिंग पावर थी 100 रुपये की वो कम होती चली गई, यानी रियल वेजेस हमारी कम हो गई। और एक कितनी कम होगी, 25% तक, क्योंकि 100 में 4 kg थे, एक हिस्सा हटा दिया तो 25% तक कम होगी, वहाँ 20% तक कम हुई थी। अब ये स्थिति होगी रियल वेजेस, यानी वेजेस उतनी लेकिन उसमें परचेजिंग पावर यानी महंगाई बढ़ गई, परचेजिंग पावर कम होती चली गई। अब इसके लिए वहाँ जार के खिलाफ आंदोलन किया गया। उसी दौरान जो ये जार के खिलाफ विद्रोह किया गया उसमें बहुत सारी यूनियन बनाई गई थी, उसमें एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स एक यूनियन बनाई गई थी, उसके 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद, और ये वर्कर्स कहाँ काम कर रहे थे, एक आयरन इंडस्ट्री थी पिटिलोव आयरन वर्क्स, वहाँ काम करते, वहाँ से इन चारों को डिसमिस कर दिया गया। उसके खिलाफ फिर आंदोलन थोड़ा सा और बढ़ा हुआ। अब इसका नेतृत्व तो किया, जैसे जैसे भीड़ बढ़ी तो इसका महत्वपूर्ण तरीके से नेतृत्व तो किसने किया, फादर गैपन। में फादर गैपन ने इसका नेतृत्व किया और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। देन आफ्टर फायरिंग वाज डन, गोलियां चलाई गई और लगभग 100 के आसपास लोग उसमें मारे गए। और जिस दिन ये सब हुआ वो क्या था, संडे। इसलिए एक क्वेश्चन भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में आता था पहले, जब हमारे पास बोर्ड से जो पेपर आते तब 9th स्टैंडर्ड के, कि व्हाट डू मीन बाय ब्लडी संडे, खूनी रविवार, तो उसमें क्या था कि जिस दिन ये फादर गैपन ने इसको लीड किया, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए जार के खिलाफ और उसने आदेश दे दिए गोली चलाने के, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, और दैट वॉज द डे ऑफ संडे, और 1905 संडे का दिन था इसलिए उसको ब्लडी संडे बोला गया। अब इस रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ, जब इतना सारा विरोध हुआ तो उस टाइम के ऊपर पार्टी बनाने की इजाजत दे दी गई जार के द्वारा, उसके साथ साथ एक पार्लियामेंट के निर्माण की इजाजत दे दी गई, और पहली बार 1905 में पार्लियामेंट बनी रशिया में। लेकिन ये कैसी थी, कंसल्टेटिव ओनली, ये इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, केवल सुझाव दे सकती थी राजा को शासन करने के लिए, और इसका नाम क्या था, ड्यूमा, यानी पार्लियामेंट ऑफ रशिया वॉज कॉल्ड ड्यूमा। और एक कब स्थापना की गई, 1905 में। कैसी थी, कंसल्टेटिव ओनली, इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, केवल सुझाव दे सकती थी राजा को, और किसके प्रेशर में, जब इतना सारा विरोध हुआ उसके प्रेशर में इसने बनाया। लेकिन विद इन 75 डेज, बनाने के 75 दिन के बाद ही, जैसे ही रिवॉल्यूशन खत्म हुई, इसको भंग कर दिया गया जार के द्वारा, फिर वापस भंग कर दिया गया इसको। अब उसके बाद दोबारा ड्यूमा के निर्माण की उसने मंजूरी दी, लेकिन उसमें किसको भर दिया, कंजर्वेटिव और लिबरल्स जो कि उसका फेवर करते थे, उनकी संख्या बढ़ा दी गई इसके अंतर्गत। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट मिला था कि शुरुआत तो हुई पार्लियामेंट की, यानी कहीं ना कहीं इलेक्शन की शुरुआत तो हुई कि चुने हुए लोग आएंगे और वो राजा को गाइड करेंगे। ये हमारे यहाँ जब ये रिवॉल्यूशन हुई 1905 में, उसका जो महत्वपूर्ण हमारे पास आउटकम और रिजल्ट आया कि एक पहली बार संसद का निर्माण हुआ। तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट द रिप्रेसिव रूल ऑफ द जार एंड सम मोर इवेंट्स विच रिजल्ट इन द सोशलिज्म इन रशिया इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।